नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का जो विषय है वो है शूज शोरूम यानी जूते का शोरूम आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या आपका शोरूम पहले से बना हुआ है और आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए सुनिए समझिए और विचार कीजिए यदि आपका शोरूम पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो आपको अपने यहाँ पर सिटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए आपके यहाँ सिटिंग और सेटिंग सही तरीके से हो जाती है वास्तुशास्त्र के अनुसार हो जाती है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके शोरूम में वर्किंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी यानी आपका काम अच्छा चलेगा यदि आपके यहाँ कस्टमर कम आते हैं तो आप अपने यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आपके यहाँ कहाँ पर क्या वास्तुदोष बना हुआ है आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए सुनिए और समझिए आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वेस्ट फेसिंग जूते का शोरूम आपने अपना शोरूम नया तैयार करना है तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना आपके शोरूम का फर्श का लेवल रोड के फर्श के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए और साथ में जो आपका फ्रंट का भाग है जो रोड है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए यदि आपके बाहर स्टेप बने हुए हैं तो स्टेप आपके वाइट कलर के होने चाहिए यदि आपके यहाँ फुटपाथ है यानी पैदल चलने का रास्ता है तो वो भी आपका वाइट कलर होना चाहिए या सीमेंट कलर होना चाहिए यदि आपके यहाँ रेड कलर है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ सेल कितनी ही अच्छी क्यों ना हो लेकिन फिर भी आपके यहाँ प्रॉफिट अच्छा नहीं होता कहीं ना कहीं आपको ये महसूस ज़रूर होता है कि इतनी अच्छी सेल होने के बावजूद भी आपके घर सेविंग नहीं जा रही तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपने फ्रंट के भाग में वाइट कलर मैक्सिमम इस्तेमाल करना है आपका अपना जो शटर लगा हुआ है शटर के ऊपर भी वाइट कलर या सिल्वर कलर होना चाहिए जब आप अपना नया शोरूम बना रहे हैं तो ध्यान रखना है यदि आप अपने फ्रंट के भाग में ग्लास डोर लगाते हैं ग्लास फिक्स करते हैं तो ग्लास फिक्स करने से पहले आप अपने शटर पर अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट जरूर करें पेंट कौन सा कराना है वाइट कलर या सिल्वर कलर आपने अपने शोरूम में फिक्स ग्लास कहाँ करना है साउथ वेस्ट से वेस्ट सेंटर तक यहाँ तक आपका अपना फिक्स ग्लास आएगा और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपकी अपनी एंट्रेंस होगी यहाँ से आप और आपका अपना कस्टमर अंदर आएगा नॉर्थ वेस्ट का भाग आपका फिक्स ग्लास आएगा आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपने डिस्प्ले करनी है इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा जब आप यहाँ पर डिस्प्ले करें तो इसके नीचे का जो फर्श का लेवल है यानी जितना आप डिस्प्ले का एरिया लेंगे इसके नीचे एक चार इंच या छः इंच का ठोस प्लेटफॉर्म जरूर बनाएं जो कि आपके पूरे फर्श के लेवल से ऊंचा होना चाहिए ऐसा करने से मेरा अपना यह मानना है कि आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा पहले दिन से ही आपके यहां कस्टमर आना शुरू हो जाएगा जो कस्टमर आपके यहां आएगा वो कस्टमर रूटीन में आपके यहाँ आता रहेगा क्या काम करने से यहां पर एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाने से आपने अपने यहां पर स्टोरेज और डिस्प्ले कैसे करनी है साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए वे। साउथ वेस्ट तक साउथ की वॉल पर आपने हैवी स्टोरेज करनी है ईस्ट वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर आपने लाइट वेट की डिस्प्ले करनी है ऐसे ही जो आपके अपने नॉर्थ वॉल है नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर भी आपके अपने लाइट वेट की डिस्प्ले होनी चाहिए इसी के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है यदि आप यहाँ पर डिस्प्ले यानी नॉर्थ वॉल पर डिस्प्ले और ईस्ट वॉल पर डिस्प्ले करते हैं और ऊपर के भाग में स्टोरेज करते हैं है यानी आठ फुट के नौ फुट के भाग तक तो आपकी अपनी डिस्प्ले हो जाती है और उसके ऊपर के भाग में स्टोरेज करते हैं तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है आपने सिर्फ ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल पर डिस्प्ले ही करनी है जितनी स्टोरेज करनी है आपने साउथ वॉल पर ही करनी है साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक यहाँ पर फर्श से लेके सीलिंग तक आप जितने स्टोरेज करेंगे आपके यहाँ कस्टमर उतना ही ज्यादा आएगा इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आप अपने यहाँ पर फर्श के ऊपर माल रखते हैं तो वो भी साउथ के भाग में रख सकते हैं आपने अपना जो काउंटर बनाना है वो काउंटर आपने यहाँ पर एल शेप में बनाना है यहाँ पर आपके अपना ऑनर की सीटिंग हो जाएगी ये आपका अपना काउंटर बनेगा का, और कस्टमर आपका अपना यहाँ पर आकर पेमेंट कर लेगा आपने अपने यहाँ पर जो रोड बनानी है वो क्रोड एक तो वेस्ट वॉल पर, पर बनानी है जो कि आपकी अपने ईस्ट की ओर ओपन होगी और एक क्रोड आपने साउथ वॉल पर बनानी है जो कि आपकी नॉर्थ की ओर ओपन होगी जो वेस्ट वाली ग्रोर है ये आपने रूटीन में इस्तेमाल करनी है और जो साउथ वाली ग्रोर है नॉर्थ की ओर ओपन होती है इस ट्रोर के अंदर आपने अपनी चेकबुक भी रखनी है और जो आपके यहाँ सेल्समैन आते हैं उनको जो पेमेंट देनी है तो वो पेमेंट भी आपने इस ट्रोर से निकाल कर देनी है इस ड्रोर में रखा हुआ पैसा हमेशा ही बरकत भी देता है और आपके घर के अंदर सेविंग भी पहुँचती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस ग्रोर का इस्तेमाल आप मैक्सिमम करें इसको आप रूटीन में इस्तेमाल करते रहें आपके यहाँ कस्टमर के बैठने की जो सीटिंग है वो सीटिंग आपने कैसे करनी है दुकान की चौड़ाई आपकी ज़्यादा है शोरूम की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप डबल सीटिंग कर सकते हैं यदि चौड़ाई कम है तो आप अपनी सिंगल सीटिंग भी कर सकते हैं चौड़ाई ज़्यादा है तो ये ऐसे आगे और पीछे डबल सीटिंग बन जाएगी और चौड़ाई कम है तो आपकी सिंगल सीटिंग बन जाएगी कस्टमर का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर होना चाहिए यहाँ पर आपका अपना कस्टमर बैठेगा और यहाँ पर आपका अपना सामने सेल्समैन आपका आ जाएगा यदि चौड़ाई ज़्यादा है तो इसमें कस्टमर का फेस साउथ की ओर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका अपना सेल्समैन आकर बैठ जाएगा इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है जब आप अपनी सेटी यहाँ पर बनाएं तो उसके ऊपर गद्दी का जो कलर होना चाहिए वो लाइट ब्राउन कलर का होना चाहिए यदि आप अपने यहाँ पर कारपेट बिछाते हैं तो कारपेट का कलर भी आपका लाइट ब्राउन कलर का ही होना चाहिए आपने अपने यहाँ पर इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर आपने साउथ ईस्ट के भाग में साउथ वॉल पर यहाँ पर आपने अपना इन्वर्टर लगाना है और आपने अपने यहाँ पर मंदिर लगाना है तो मंदिर आपका अपना साउथ ईस्ट के भाग में ईस्ट वॉल पर यहाँ पर आपका अपना मंदिर आएगा मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक जो जलाते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर रूटीन में आता ही रहेगा और माल लेकर भी जरूर जाएगा यानी आपके यहाँ जितने कस्टमर आएंगे ज्यादातर कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेकर जरूर जाएंगे आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर या नॉर्थ के भाग में यहाँ पर रखना है यदि आप अपने यहाँ पर पीने का पानी अंदर नहीं रखना चाहते तो आप पीने का पानी बाहर भी नॉर्थ वेस्ट के भाग में रख सकते हैं यहाँ पर भी पीने के पानी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान रखना है जब आप नॉर्थ वेस्ट के भाग में पीने का पानी रखते हैं जग रखते हैं तो जग का कलर ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए ग्रे कलर या वाइट कलर का जग ही आपका होना चाहिए आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपने यहाँ पर फर्श की ढलान फ्लोर का स्लोप कैसे करना चाहिए साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर और, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फ्लोर का स्लोप फर्श की ढलान हर हालत में करनी ही चाहिए जिस व्यक्ति के यहाँ फर्श के ढलान नॉर्थ से साउथ की ओर होती है तो मेरा अपना ये मानना है कि उसके यहाँ पहली बात तो कस्टमर आते नहीं हैं कस्टमर आते भी है माल लेकर भी जाते हैं तो या तो वो माल उधारी में लेकर जाते हैं या आपको प्रॉफिट कम दे कर जाते हैं हो सकता है कि आप अपने माल को रेट टू रेट भी देना पसंद करते हैं क्या होने से जब आपके यहाँ फर्श की ढलान नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाती है आपके यहाँ यदि एंट्रेंस साउथ वेस्ट के भाग में है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पहली बात तो सेल अच्छी होती नहीं है सेल अच्छी होती है तो बार बार आपको अपने यहाँ पर माल डालने के लिए बाहर से पेमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि साउथ वेस्ट का भाग जब भी खाली होता है यहाँ से रास्ता यहाँ से आने जाने का रास्ता होता है तो ऐसी दुकान में ऐसे शोरूम में कभी भी बरकत नहीं होती उसको हमेशा ही अपने शोरूम में माल डालने के लिए माल भरने के लिए बाहर से पैसा उठाना पड़ता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आपके यहाँ एंट्रेंस साउथ वेस्ट के भाग से हैं तो आप इस एंट्रेंस को वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर करेंगे तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ सेल हमेशा ही अच्छी होती रहेगी और आपको बार बार बाहर से पैसा उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बातें मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई है इस प्रकार से आप अपना सेटअप करते हैं तो आपके यहाँ रिजल्ट हमेशा ही बेहतर मिलेंगे आप भी अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपका शोरूम पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं यदि आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे वास्तु के अनुसार सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं आप सभी मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार